क्या गए इसी तक? वो अशोक खन्ना, उसे तो जेल में होना चाहिए। उस जैसे लोगों को मिनिस्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल जाता है? अरे यार, बंदा कैसा भी हो लेजिटिमेट बिजनेस चलाता है, मिल गया कॉन्ट्रैक्ट जैसे बिजनेस। साल तो भाई याद है ना, तुम तो उसके पीछे ही पड़ गए हो यार। ऐसा क्या कर दिया उसने? कैसे बताऊं रमन को, अभी जाके मार डालेंगे उस आदमी को। इसे डिजर्व तो वो यही करता है, लेकिन अभी नहीं। कुछ नहीं, मीका के साथ उसने क्या किया, सारी लड़कियों के साथ वो क्या करता है? नहीं यार, जो क्या करता है उसकी पर्सनल लाइफ है, और वैसे सारा बिजनेस सूरज निगरानी में होता है, तो आई विल डिस्कसिंग आवर शो। क्या ऐसी कोई बात तो नहीं जो तुम मुझे नहीं बता रही है? भाई साहब, ये एक बारी के लिए तो मैं खामखा टेंशन लेगा। मुझे लगा कि रमन अब कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मुझे लगा कि मार डालेगा यार मुझे वो, लेकिन कल रात के बाद उसने मुझे कुछ कहा ही नहीं। ऊपर से मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करके गया वो। ये रमन की वाइफ है शिता, उसे कंट्रोल कर रही है। मुझे नहीं लगता कि उसे कल रात के बारे में कुछ याद भी। आई डोंट वरी, ये शिता रमन को कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि वो जानती है ना अपने पति को, कंट्रोल तो कर नहीं सकता अपने ऊपर। अगर बता दिया तो फिर वो, लेकिन हाँ मुझे ये नहीं पता कि कभी करेगा तो क्या करेगा। ये रमन भल्ला चुप बैठने वालों में से तो है नहीं, कहीं ये सब कुछ जानने के बाद भी किसी और तरीके से हम पर वार करने की तो नहीं सोच रहा। नहीं नहीं सूरज, ऐसा कुछ नहीं होगा, जस्ट बी पॉजिटिव। Well, मुझे तो रूही की विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग का दिमाग एक ही तरफ चलता है। What are? Stupid जो आप लोग। एक बात थी। I'm sorry, लेकिन अचानक से ऑफ टॉपिक बात कर रही हूँ, लेकिन कल रात के बारे में कुछ बात थी जो मुझे बतानी थी। वो जो भी है, लेकिन फिलहाल आज जीत हमारी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास है। अब हमें पूरी सिंसियरिटी के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना होगा। कोई भी गलती या लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में हमारा कमबैक हो सकता है। जो हमारी रेपुटेशन खो गई है ना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वापस आ सकती है। अरे भाई आप टेंशन मत लो, कॉन्ट्रैक्ट हम बहुत अच्छे से पूरा करेंगे। और तू, तू अशोक थोड़ा संभल के रहना। अभी तो खुश हो रहा है कि उस रमन को कुछ पता नहीं चला, लेकिन आइंदा ऐसी कोई गलती मत करना। मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट हमें जरूर मिला है, लेकिन पैकेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी उस रमन भल्ला की कंपनी के पास है। इस सिलसिले में उससे मिलना जुलना लगा रहेगा, इंटरेक्शन रहेगा उसके साथ। अशोक, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, बस पूरा कॉन्सेंट्रेट करो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में। डोंट वरी सूरज, कोई मिस्टेक नहीं। पर आज रमन अशोक से इतनी अच्छी तरह से बात कर रहे थे, अशोक को कॉन्ट्रैक्ट मिला और रमन उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, मुझे बुरा लग रहा था। मैंने खुद रमन को कुछ नहीं बताया इस बारे में, लेकिन अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं बताऊं कैसे। सो क्लूलेस। आई गेस तूने ठीक ही किया जो उसे नहीं बताया। लेकिन अका एक इंसान है जिससे मैं बात करना चाहूंगी, उसे बताना चाहूंगी कि मैं और रमन अब एक हो चुके हैं। मैं उसे गलत साबित करना चाहूंगी। शगुन अरोरा, आई डोंट थिंक इस नाम की मेरी कोई पेशेंट है। लेकिन लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो वो भी यहाँ आई हुई थी, इनफैक्ट आपके कमरे के बाहर थी, सो आई थॉट कि उसका आपके साथ अपॉइंटमेंट रहा होगा। Look, I have no idea what you are talking about. आप एक काम कीजिए, रिसेप्शन पे चेक कर लीजिए, उनके पास शायद रिकॉर्ड होगा उस दिन का। हाँ मैडम, यहाँ पे कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वो क्या है ना कि मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती, आप मुझे कल बाहर मिलना। देखिए मैं एक एनजीओ से,
और मैं बस इसी के लिए मुंबई से दिल्ली आई। मुझे किसी भी तरह सरोगेसी स्कैंडल को आउट करना है। ये लीजिए, इस लिस्ट पर मेरा मोबाइल नंबर है। इससे पहले कि कोई मुझे देखे, मैं जाती हूँ। थैंक्स। शगुन, कैसी हो? कमाल की बात यह है कि आज तो मेरे यहाँ कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं है, तुम्हें ढूंढने आई थी मैं। और देखो, तुम मुझे यहीं मिल गई। गुड ना? वैसे तुम दिल्ली क्यों आई हो? मुझे तो नहीं मालूम है वैसे क्यों आई हो, और तुम बताओगी भी नहीं। लेकिन जो भी है, आई हो तो मेरी जिंदगी में दखलअंदाजी तो करोगी, राइट? लाइक लास्ट टाइम काफी कुछ सुनाया था तुमने मुझे। यू वर क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट मी एंड रमन, है ना? तो मैंने सोचा कि ठीक है, तुम्हें भी मैं आज सुना देती हूँ कुछ। वो ये कि अब मेरे और रमन का रिश्ता पूरी तरह से पति पत्नी का रिश्ता बन चुका है, पूरी तरह से। देखो, मुझे मैं तुमसे अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रही हूँ, बट वॉट टू डू, तुम जैसे लोग जो होते हैं ना, वो कभी भी कहीं भी खड़े होके लोगों के बेडरूम इश्यूज को डिस्कस करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर भी। सो आई थॉट व्हाई नॉट, दिस इज द बेस्ट प्लेस। यहीं पे मैं तुम्हें वापस जवाब देती हूँ। तुमने यहीं खड़े होके क्या कहा था उस दिन कि सिर्फ आई लव यू कहने से कुछ नहीं होता, दिखाना भी पड़ता है, राइट? तुम्हें जान के बहुत खुशी होगी कि मेरे पति ने बहुत अच्छी तरह से दिखा दिया है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और तुमने कुछ कहा था कि मैं उनके टाइप की नहीं हूं। यू नो व्हाट, उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें मेरे अलावा कोई और टाइप पसंद ही नहीं है। वो मुझसे एक पल के लिए भी अब दूर नहीं जाना चाहते। व्हाटएवर। हाँ, मैं समझ रही हूँ, थोड़ा सा चीप साउंड कर रही हूँ ना। आई नो, आई रियलाइज, लेकिन क्या करूँ, जैसे लोग हैं उनसे वैसे ही बात करना पड़ता है ना। तुम चीपनेस की भाषा ही समझ पाती हो, सो आई हैव टू टेल यू, तुम्हारे सारे कंसर्न्स को क्लियर करना है कि मैं रमन की सिर्फ दोस्त, उनकी सिर्फ एक पत्नी या सिर्फ एक वेल विशर टाइप नहीं हूँ, उनके बच्चों की सिर्फ एक यशोदा मैया नहीं, मैं उनकी प्रेमिका हूँ। आई एम द लव ऑफ हिज लाइफ, और इस बात को रमन बहुत अच्छी तरह से जता चुके हैं। तुमने कहा था ना कि मैं परियों की दुनिया में जी रही हूँ। Actually, you were right. कुछ तो तुमने सही कहा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी किसी परी की जिंदगी से कम नहीं है। I love my life. I love Raman. Best part is कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। खैर, तुम्हें एडवाइसेस देने का बहुत शौक है, तो आज मैं एक एडवाइस देने आई हूँ कि तुम प्लीज अपने आप पर फोकस करो, मेरी जिंदगी पे इतना ध्यान मत दो, क्योंकि तुम जितना भी कोशिश करोगे मेरी जिंदगी को बिगाड़ने की, नहीं खूबसूरत होती जाएगी मेरी जिंदगी। क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ सिर्फ अच्छा होता है, हमारे परिवार के साथ भी सिर्फ अच्छा होगा। सो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे पति से और मेरे बच्चों से 100 कोस दूर ही रहना। आखिर मेरी कड़वी बातों का असर हो ही गया। I'm so happy for you, शीता। मैं बहुत खुश हूं कि रमन और तुम एक हो गए। एंड यस, मैं तुम्हारी एडवाइस लूंगी और तुमसे और तुम्हारे परिवार से दूर रहूंगी।